अगर हम बात करते हैं फास्ट चार्जिंग की, तो आई एम श्योर आज के टाइम पे हम सभी के डिवाइसेस के अंदर फास्ट चार्जिंग तो होगी, लेकिन आजकल जो है वो एक अलग ही ट्रेंड चल रहा है। सारी कंपनीज जो है वो यहाँ पे रेस लगा के चल रही है और अपने तरीके से अपने अपने नए फास्ट चार्जिंग को अनवील कर रही है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम सारी कंपनीज को देखने वाले हैं और जानेंगे कि आज के टाइम के अंदर उनका जो फ्लैगशिप स्मार्टफोन है उसके अंदर हमको कौन सी फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है और आने वाले टाइम के अंदर हमको कौन सी लेवल की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाएंगी इन्हीं सारी कंपनीज की तरफ से। जानने के लिए देखते रहिए वीडियो सुबहशिंग टाइम, लेट्स बिगिन। नमस्कार दोस्तों, मैं भव्य त्रिवेदी आपका स्वागत करता हूँ टेक बी यूट्यूब चैनल के ऊपर। अभी दोस्तों फटाफट से बात करते हैं फास्ट चार्जिंग की और स्टार्ट करते हैं वन प्लस से। तो वन प्लस जो है वो उन कंपनियों में से है जिन्होंने हमको सबसे पहली बार फास्ट चार्जिंग दी थी स्मार्टफोन्स के अंदर। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं फास्ट चार्जिंग की, तो वन प्लस अभी करंटली प्रोवाइड कर रहा है 30 वोट की फास्ट चार्जिंग को, जो कि हमको सबसे पहले देखने को मिला था वन प्लस 60 Megahertz एडिशन के अंदर, जो कि लॉन्च हुआ था अराउंड अक्टूबर 2018 के अंदर। और अभी दोस्तों अगर हम बात करते हैं नियर फ्यूचर की, तो वन प्लस जो वो एक अलग ही लेवल की फास्ट चार्जिंग हमको देने की प्लानिंग कर रहा है, जो कि है 65 वोल्ट की, जो कि हमको शायद देखने को मिल सकती है वन प्लस 8T के अंदर, जो कि हमको सितंबर या फिर अक्टूबर के महीने के अंदर देखने को मिल सकता है। मेरे अकॉर्डिंग वन प्लस ने जो है वो काफी बड़ी छलांग लगाई है 30 वोल्ट से 65 वोल्ट तक की। अभी आगे बढ़ने से पहले अगर आपको लग रहा है कि जो वीडियो है वो क्लिकबेट है, तो जरा से सब्र रखिए, आपको वो वाली चार्जिंग स्पीड जो है वो देखने को मिल जाएगी। बाकी अगर हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ओप्पो की, तो यहां पे ओप्पो जो है वो करंटली प्रोवाइड कर रहा है 65 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को, जहां पे हमको सुपर वॉक 2.0 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि सिर्फ 35 मिनट्स के अंदर 4000 mAh की बैटरी को जो चार्ज कर देता है, जो कि अपने आप में काफी कमाल की फास्ट चार्जिंग है। और अगर हम बात करते हैं नियर फ्यूचर की, तो ओप्पो जो है वो प्लानिंग कर रहा है, मतलब प्लानिंग भी नहीं कर रहा है, परसों हमने एक ट्वीट देखी थी ओप्पो की तरफ से, जिसके अंदर हमको 125 वोल्ट्स की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती थी, और 15 जुलाई मतलब कि कल यहां पे ये जो टेक्नोलॉजी है उसको अनवील कर दिया गया है। तो फाइनली हम देखते हैं कि कौन से स्मार्टफोन के अंदर हमको 125 वोल्ट्स की काफी कमाल की चार्जिंग जो है वो देखने को मिल जाएगी। अगली स्मार्टफोन ब्रांड है रियलमी। अभी दोस्तों ये जो ब्रांड है वो ओप्पो की एक सब ब्रांड हुआ करती थी, तो यहाँ पे उसी को फॉलो करते हुए अगर हम बात करते हैं रियलमी की, तो रियलमी भी यहाँ पे 65 वोल्ट्स की सुपर डॉट टेक्नोलॉजी हमको दे रही है फास्ट चार्जिंग के अंदर, जो कि अगेन 35 मिनट्स के अंदर स्मार्टफोन को फुल चार्ज कर देती है काफी कमाल की स्पीड से। अगर हम बात करते हैं फ्यूचर की, तो ये लोग भी सिमिलरली प्लानिंग कर रहे हैं 120 वोल्ट्स की फास्ट चार्जिंग देने की। अभी कहां से पता चला, तो मिस्टर माधव सेठ जो है, जो कि रियलमी के सीईओ है, उन्होंने 13 जुलाई को एक ट्वीट डाला था, इसके अंदर उन्होंने 121 लाइटनिंग इमोजीज को लगाया था, तो मेरे हिसाब से एक जो है वो ज्यादा लग गया था। तो फाइनली हम देखते हैं कि क्या हमको 120 वोल्ट्स की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है या फिर 121 वोट्स की। तो जल्दी हमको रियलमी की तरफ से भी 120 वोट्स की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाएगी। बाकी अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट ब्रांड की, तो नेक्स्ट ब्रांड है वीवो और उसकी सब ब्रांड आईकू की। तो यहाँ पे आईकू जो है, अगर हम बात करते हैं करंट सिनेरियो की, तो वो भी हमको 65 वोट्स की फास्ट चार्जिंग हमको दे ही रही है। यहाँ पे सिर्फ नियर फ्यूचर ही नहीं, बल्कि उन्होंने टेस्टिंग को भी क्लियर कर चुके हैं, जिसके अंदर हमको, मैं यहाँ पे एक वीडियो आपको शो कर रहा हूँ, जिसके अंदर हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी है वो 0 से लेकर 50% स्मार्टफोन को चार्ज कर देती है सिर्फ 5 मिनट के अंदर, जो कि अपने आप में काफी कमाल की बात है। और अगर हम बात करते हैं 50 से लेकर 100% तक की, तो वो और 10 मिनट को हम ऐड कर देते हैं इसके अंदर, और बन जाती है टोटल 15 मिनट्स के अंदर हम फास्ट चार्जिंग से पूरी स्मार्टफोन को चार्ज कर पाएंगे, जो कि मेरे हिसाब से एक नेक्स्ट लेवल की फास्ट चार्जिंग इसको बना देती है। ताकि हम देखते हैं कि क्या आईकू के नेक्स्ट स्मार्टफोन के अंदर हमको ये टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है या नहीं। अब नेक्स्ट ब्रांड है शाओमी। तो अगर हम शाओमी की यहाँ पे बात करते हैं, तो शाओमी करंटली हमको 50 वोल्ट की फास्ट फ्लैश चार्जिंग प्रोवाइड कर रहा है अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन मी 10 के अंदर, जो कि बोला जाता है कि मी 10 के अंदर 0 से 100% अगर आपको चार्ज करना है तो वो चार्ज कर देगा 45 मिनट्स के अंदर। लेकिन यहाँ पे जो मी 10 प्रो है, जो कि अभी लॉन्च भी नहीं हुआ है, तो उसके अंदर हमको 66 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाएगी। तो अभी हम देखते हैं कि क्या मी 10 प्रो जो है वो इंडिया के अंदर आता है या नहीं। बाकी अगर हम बात करते हैं फ्यूचर की, तो शाओमी भी हमको 120 वोल्ट्स की फास्ट चार्जिंग देने की सोच रहा है, और ये जो है वो देखी गई थी चाइनीज की 3C सर्टिफिकेशन वेबसाइट के ऊपर, जिसके अंदर हमको 20 वोल्ट और 6 एम्पीयर की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है। तो फाइनली हम देखेंगे कि क्या शाओमी 120 वोल्ट्स की फास्ट चार्जिंग इंडिया के अंदर लाती है या नहीं, और अगर लाती है तो क्या मी सीरीज के अंदर लाती है, क्योंकि मी सीरीज जो है वो इंडिया में मेरे हिसाब से कौन ही खरीदता है। तो क्या हमको बजट सेगमेंट के अंदर 120 वोट्स की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है या नहीं, ये मेरे हिसाब से सबसे मेन देखने वाली बात होगी शाओमी के लिए इंडिया के अंदर। बाकी अब बात करते हैं यहाँ पे सैमसंग की, तो सैमसंग जो है वो सबसे मेरे हिसाब से स्लो
लोएस्ट है उसके कॉम्पिटिटर्स से, जिसके अंदर हमको S20 अल्ट्रा जैसे स्मार्टफोन के अंदर भी हमको सिर्फ 45 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे सैमसंग थोड़ा सा पीछे है अगर हम बात करते हैं फास्ट चार्जिंग की, और हम बात करते हैं अगर फ्यूचर की तो फ्यूचर के रिगार्डिंग भी अभी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है फास्ट चार्जिंग के अंदर सैमसंग की तरफ से। बाकी हम देखते हैं कि सैमसंग जो है वो इनोवेशन के लिए काफी फेमस है, तो अभी हम देखते हैं कि क्या सैमसंग कुछ इनोवेशन लेके आता है या नहीं फास्ट चार्जिंग के अंदर, वो तो अभी टाइम के साथ ही हमको पता चल पाएगा। अब नेक्स्ट ब्रांड है एप्पल। अभी दोस्तों एप्पल एक ऐसी ब्रांड है जिसको जरूर से यहाँ पे फास्ट चार्जिंग को इम्प्रूव करने की जरूरत थी, क्योंकि यहाँ पे एप्पल जो है वो आईफोन 10 तक सिर्फ 5 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड करता था, लेकिन उसके बाद में आईफोन 11 के अंदर हमको 18 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिली, जो कि मेरे हिसाब से काफी अच्छा स्टेप था, क्योंकि स्मार्टफोन को चार्ज कर पाता था 1 आवर एंड 30 मिनट्स के अंदर ऑलमोस्ट। लेकिन अगर हम बात करते हैं नियर फ्यूचर की, तो यहाँ पे एप्पल आईफोन 12 के अंदर एप्पल प्लानिंग कर रहा है 20 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड करने की, जो कि मेरे हिसाब से एक और अच्छा स्टेप यहाँ पे ले रहा है एप्पल आईफोन 12 के अंदर। तो अभी दोस्तों हम देखते हैं कि ये जो 2 वोल्ट बढ़ाए गए हैं उससे चार्जिंग स्पीड के ऊपर कितना फर्क पड़ता है, और फाइनली आईफोन जो है वो कितने घंटे में चार्ज हो पाता है। लास्ट में बात करते हैं एक ऐसे ब्रांड की जो कि मुझे पर्सनली काफी ज्यादा पसंद है, जो कि है यहाँ पे हुआवे। अब ये सिर्फ इकलौता ब्रांड है जो कि 200 की सीरीज को टच तक कर पाया है, जो कि हमको देखने को मिला था चाइना की 3G सर्टिफिकेशन वेबसाइट के ऊपर, जिसके अंदर हमको 20 वोल्ट्स और 10 एम्पीयर की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है, जो कि मेरे हिसाब से अपने आप में काफी कमाल की बात है। तो फाइनली अभी हम देखते हैं कि कितने वोल्ट की फास्ट चार्जिंग जो है वो हमको देखने को मिल पाती है हुआवे या फिर ऑनर के स्मार्टफोन के अंदर नियर फ्यूचर के अंदर। अभी मेरे हिसाब से मैंने सारी बड़ी बड़ी जो ब्रांड्स है उन लोग को मैंने कवर कर लिया है, लेकिन अभी भी कोई भी रह गई है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। कि आप मुझे बताओ कि आपको सबसे बेस्ट फास्ट चार्जिंग कौन सी कंपनी की लगी नीचे कमेंट्स के अंदर। दोस्तों आशा करता हूं आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी, और आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।